हाँ रोड मुंदे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेन इंटरेस्ट से। तो आप देख सकते हैं इन पौधों के ऊपर किस तरीके से झालर या लाइटिंग लगाई गई है और उनके फूल जो है वो देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से सजावट की गई है। आज इस फ्लावर शो का पहला दिन है मैसूर पैलेस में, तो जो भी डेकोरेशन है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलेगी। ये आप वैसे गेंदा हमारे हिंदी भाषा में इसको गेंदा बोलते हैं, उस तरीके उसके पौधे देख पा रहे हैं, वैसे इसको कॉस्मोस भी बोलते हैं। तो सामने ये कॉस्मोस के फ्लावर हैं, लेमन कलर के फ्लावर हैं, इनको आप जीनिया बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं वो मुझे इतना आइडिया नहीं है अभी। और उसके बाद जो नेक्स्ट फ्लावर आता है मारीगोल्ड, पौधा है उसके ऊपर फूल लगे हुए हैं। और इस जगह पे काफ़ी पौधों की वैरायटी दिखाई गई है, आप नाम को ट्रांसलेट करके देख सकते हैं कि क्या नाम है। और ये पीकॉक की जो सजावट है वो कितने बेहतरीन तरीके से की गई है इसके साथ आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक डोर भी सजाया गया है, जो दरवाज़ा बनाया गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हर जगह पे पौधों की सजावट, फूल की सजावट, यही देखने को मिल रही है। और सामने आप देख पा रहे हैं कि हाथी को किस तरीके से सजाया गया है, एलिफेंट को। और यहाँ पे जो भी फूलों की डेकोरेशन होती है वो नेचुरल फूलों से होती है, तो यहाँ पे फूलों की खेती भी काफ़ी होती है और डेली के कामों में भी इनका बहुत सारा यूज किया जाता है। और सामने आप देख पाते हैं गणेश जी हैं, उनके नीचे जो डेकोरेशन है कितने अच्छे तरीके से की गई है। और उसके साथ आप देख सकते हैं ये कलश है, इनको भी कितने अच्छे तरीके से सजाया गया, क्या शाइनिंग आ रही है। और बच्चे देखिए किस तरीके से फोटो निकाल रहे हैं, इनको नहीं फोटो और वीडियो निकालना रहता है, ये हमारे फोटोग्राफर मतलब वीडियोग्राफर बोल सकते हैं, बराबर नहीं है। सामने जो आप देख पा रहे हैं ये है फोटो पॉइंट बाइनोकुलर, ये दूरबीन बोलते हैं जिसको। वो पेड़ पे जो झालर डाली गई है लाइटिंग, वो ऊपर से नीचे ब्लिंक करती है, जलती बुझती है, तो ये भी काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। ये जो आप सामने फूल देख पा रहे हैं ये देखिए, और ये इसका क्लोजअप शॉट है। और आप बता सकते हैं कमेंट में ये किस तरीके के फूल हैं, किन लोगों ने देखे हैं, कृपया इसका नाम कमेंट में लिखें। और यहाँ पे भी पौधों की बहुत सारी वैरायटी है और उन सभी पे नाम लिखा हुआ है, एक एक करके पढ़ना मुश्किल है, आप वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं और उनका नाम मतलब कमेंट्स में लिख सकते हैं, जिससे कि पता चले कि आपको कितने पेड़ों की जानकारी है। यहाँ पे आप फ़ोटो भी निकाल सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है सामने फोटो पॉइंट बंचाव बलून्स। तो ये जो ऊपर आप देख रहे हैं बंचाव बलून्स हैं, जिसमें वाइट रेड येलो है, वो भी काफ़ी अच्छे से डेकोरेट है, काफ़ी यहाँ पर भीड़ रखी है। देख पा रहे हैं विद हॉर्स, तो यहाँ पे इसका चलन बहुत है क्योंकि काफ़ी मतलब देखिए बच्चे किस तरीके ज़मीन में क्या खोज रहे हैं पता नहीं, लेकिन किस तरीके से करते हैं। सेंट फ्रूट वेजिटेबल एंड फ्रूट को दिखाया गया है और उनके ऊपर ही आकृति बनाई गई है। हाँ।
हाँ इधर देख, Mughal rulers had a great fascination. You will see that many of these important jewel birds and falcons. Hey, Mysore Palace. मैसूर दशहरे में किस तरीके से हाथियों को सजाते हैं, तो उस तरीके से इतने क्लियर शॉट देखने को नहीं मिलते हैं, बट इस तरीके से जितने भी गॉड हैं जो भी यहाँ पे देख सकते हैं, भगवान हैं, सभी की फ़ोटो यहाँ पे लगाई गई है। एक फ्रेम में तो नहीं आ पा रहे हैं सभी लोग, मैं ट्राई करता हूँ एक फ्रेम में लाने का, बट वो मुश्किल है। ये नरसिंह भगवान है, नरसिंह भगवान को दिखाया गया, पंचमुखी हनुमान जी हैं उनको दिखाया गया है, ऋषि जी हैं उनको है, और चामुंडी को दिखाया गया है, उनके साथ ही सभी देवता गढ़ देवी का है। ये देखिए और उनके साथ ही आप वैकुंठ धाम देख, तो यहाँ पे बैठ के फोटो शूट भी कर सकते हैं, मेल फेमेल और उसका एक बच्ची छोटी सी। और अगर सब्जियों की बात की जाए तो इसमें मोस्टली सारी सब्जियां, जैसे आप देख सकते हैं केला है, मूली है, मैसूर पैलेस का ब्लॉग आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियो मिलते रहें। तो मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में।